स्वागत है आप लोग का ब्रेक के बाद। अभी मैंने कहा था कि जो क्वेश्चंस कार वाले, लिफ्ट वाले और ये जो होते हैं ना, इनको एक बार एक क्वेश्चन और करेंगे और थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी के लिए करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, मैं इस क्वेश्चन को तुमको दिखाऊंगा, ठीक है? बट ये जो क्वेश्चन है, मतलब रीड आपको करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन रीड कर पाओगे आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन को आप रीड करो, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ऐसे रख दूँ? देखो, अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली। रेक्टिलिनियरली का मतलब स्ट्रेट लाइन। अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन। इन्होंने एक्सेलरेशन को डब्ल्यू से डिनोट किया है। फर्स्ट विद द एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डिसेलरेटिंग एट द सेम रेट डब्ल्यू। डिसेलरेटिंग मतलब रिटार्डेड कर दिया, एंड कम्स टू अ स्टॉप। द टोटल टाइम ऑफ मोशन इक्वस टू 25 सेकेंड्स। टोटल टाइम ऑफ मोशन इक्वस टू 25 सेकेंड्स। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग डज द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। थर्ड प्रॉब्लम, तो ये थर्ड प्रॉब्लम है, बुक में बता दे रहा हूँ, लेकिन ये बुक आप सॉल्व नहीं करेंगे अपने आप जब तक आपसे कहा ना जाए। तो ये बेसिकली इरिडोव है और थर्ड क्वेश्चन है उसका, इरिडोव थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? इनका कहना है कि अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद द एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन यूनिफॉर्मली, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन एक बार आप खुद पढ़ करके ना, अपने हिसाब से। मैं ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप पढ़ें और समझे भी आप ही, बिकॉज होता क्या है कि हम लोग समझा देते हैं, फिर आप अपना ब्रेन यूज नहीं करते हो। तो मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दे रहा हूँ, पूरा पढ़ो, जस्ट लाइक बुक रीड कर रहे हो। तो ये थर्ड क्वेश्चन, ये वाली लाइन, अ कार स्टार्ट्स, यह वाली कार स्टार्ट्स मूविंग रैपिडली, ठीक है जी, फर्स्ट विद द एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0, देन यूनिफॉर्मली, एंड इसका क्या मतलब है जो सेकंड लाइन लिखी हुई है, देन यूनिफॉर्मली, इसका क्या मतलब है? बोलो, प्रॉब्लम ना होने का रीजन ये भी होता है कि आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हो। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, सेम एक्सेलरेशन शायद से, मतलब चेंज सेम वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। मूविंग यूनिफॉर्मली का मतलब होता है, हाँ ये भी 9th क्लास में पढ़ाया जाता है आपको कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहा जाता है। तो मूविंग यूनिफॉर्मली का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई उसकी, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी 0 एक्सेलरेशन। तो पहले उस कार ने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया, फिर मूविंग यूनिफॉर्मली मतलब 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गई, एंड फाइनली डिसेलरेटिंग यानी रिटार्डेट किया एट द रेट ऑफ डब्ल्यू, सेम रेट मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड कम्स टू द स्टॉप। टोटल टाइम 25 सेकंड का है, एवरेज वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर की है। तो कितनी देर वो यूनिफॉर्मली चला है, ये क्वेश्चन है आपका, कितनी देर के लिए वो कार यूनिफॉर्मली मूव हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि कार वाले क्वेश्चंस, लिफ्ट वाले क्वेश्चंस को हाइब्रिड सॉल्यूशन से करा करो। हाइब्रिड सॉल्यूशन का मतलब ग्राफ और इक्वेशंस को मिला करके चलो। तो क्या होगा, इस कार की वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होगी, पहले वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, किसी वेलोसिटी तक आएगा, मान लो वी वेलोसिटी तक आया, फिर क्वेश्चन ने कहा है कि वो यूनिफॉर्म हो गया, यानी कुछ देर तक उसकी वेलोसिटी मेंटेन रही, और उसके बाद रिटार्डेट करके उसकी वेलोसिटी वापस 0 हो गई। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, उन्होंने एक लाइन और लिखी हुई है, जानते हो क्या,
एक लाइन जिसको ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी तुमको क्वेश्चन रीड करने वाली. उन्होंने एक एक इसमें बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हम लोगों से स्किप हो गया है, ये डिसेलरेटिंग एट द सेम रेट W, मतलब जिस रेट पर एक्सेलरेट हुआ था उसी रेट पर डिसेलरेट हो रहे हैं, अलग रेट पे नहीं. क्या मतलब हुआ इस लाइन का, क्या मतलब हुआ जिस रेट पर एक्सेलरेट हुए उसी रेट पर डिसेलरेट हो रहे हो, तो क्या मतलब है इसका? सर रिटार्डेशन माइनस 5 होगी सर, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सेम है. तो उसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे कि अगर मेरे को जीरो से वी वेलोसिटी तक जाने में मान लो T1 सेकंड्स लगे, तो वी वेलोसिटी से जीरो आने में कितना टाइम लगेगा मुझे फिर, अगर उतना ही एक्सेलरेशन है तो उतना ही रिटार्डेशन है तो T1. ये इसका मतलब है कि अगर आपने जितना सेकंड आप जीरो से वी तक जाने में लगाओगे उतने ही सेकंड्स आपको वी से वापस जीरो आने में लगेंगे, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि इधर वाला एक्सेलरेशन और इधर वाला रिटार्डेशन बराबर है. ये सब कैच करने वाले पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चंस में. मतलब क्वेश्चन अगर ना हो पा रहा हो कभी तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार ध्यान से पढ़ो, हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो जो आपने मिस कर दिया हो, नहीं कैच कर पा रहे हो, ठीक है. और बीच में ये टाइम हमने टोटल टाइम कितना दिया इन्होंने क्वेश्चन में, टोटल टाइम दे रखा है याद करो 25 सेकंड्स. टोटल टाइम 25 सेकंड्स का है, तो बीच वाला टाइम कितना हुआ फिर निकल सकता है. अगर T1 सेकंड एक्सेलरेट करने में चला गया और T1 सेकंड रिटार्डेट करने में चला गया तो बीच का टाइम बचा कितना आपके पास, 25 माइनस 2T1, ये बीच वाला टाइम हो गया. और एक्सेलरेशन भी तो दे रखा है, ऐसा तो है नहीं, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहां पर साथ ही साथ इक्वेशन भी यूज कर लो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम है T1, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम T1, साथ साथ बता रहे हैं, और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये जो v है ये तो आप इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए. हाइब्रिड सॉल्यूशन का मतलब यही होता है. तो v = u plus a और टाइम T1, यानी वो जो v है वो एक्चुअल में 5 T1 है. समझ गए, ग्राफ बन गया. अब ये पूरा एरिया निकालो कितना बनेगा, ये टोटल एरिया विच इज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये. तो मैं ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ ये हॉरिजेंटल साइड टोटल 25 सेकंड है वो, और ये वाली साइड जो है यहां से यहां तक ये 25 माइनस 2 टाइम्स T1 है. तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो फॉर्मूला है ट्रेपीजियम के एरिया का, और इनटू इस हाइट जो कि v है यानी कि 5 T1 है. ये है डिस्प्लेसमेंट. और हम सबको एक चीज पता है, मेरे को तो एटलीस्ट पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है अगर उसको हम डिवाइड कर दें टाइम से यानी कि 25 सेकंड से, तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हो तो ये चीज कन्वर्ट हो जाती है. व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू एवरेज वेलोसिटी. जो कि 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. 20 मीटर पर सेकंड कन्वर्जन फैक्टर आप देखो इक्वल्स टू हाफ, यहां पर हो गया 50 माइनस 2T1 इनटू 5T1 अपॉन 25. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जो भी करना है करो, और एक सॉल्व करके बताओ कि T1 कितना बनेगा यहां से, इसको T1 की वैल्यू क्या बनती है. देखिए हो सकता है कि सोल्यूशन डिफर कर जाए, कुछ जगहों पर कोई और सोल्यूशन हो, यहाँ पर कोई और सोल्यूशन हो, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. मैंने कहा ना कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका दो लोगों का अलग अलग हो सकता है.
बिल्कुल सेपरेट सेम प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशन बन सकते हैं. तो इसको देखो भाई क्या आंसर बनेगा, इसको सॉल्व करें अगर. T1 कितना बन रहा, से 8 जी कितना आ रहा है, सर T1 8 आ रहा है, T1 8 आ रहा है. ओके ठीक है, मेरे ख्याल से आंसर ठीक है आपका. भी चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं. सर सर मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड से करा है, बाद में आपको भेज सकता हूँ सर कैसे करा है. हाँ भेज सकते हो, बिल्कुल भेजो. मेथड में कह रहा हूँ, मेथड एक क्वेश्चन के कई हो सकते हैं, पर T1 आ कितना रहा पहले ये देखा जाए ना. T1 जो आ रहा ना शायद 8 नहीं आ रहा इसका आंसर मेरे ख्याल से. क्रॉस चेक कर लो यहाँ पर, T1 को 8 पुट करके देखो क्या ये पूरी वैल्यू 20 बन रही है. T1 इक्वल टू 8 रख के देख लो क्या राइट हैंड साइड 20 आ रहा है. तो लेट कर रहे हो बच्चा. मेरे हिसाब से नहीं आएगा T1 को 8 रखने पर. T1 को 5 रख के देखो जरा, T1 इक्वल टू 5 यस सर 5 रखने पे आ रहा है. आप उसका आंसर 5 है एक्चुअल में, लेकिन अब ये तो गलत तरीका है. मतलब वैसे सही तरीका तो है कि आप इसको सॉल्व करिए, बट मैं उनको बता रहा हूँ कि T1 5 आ रहा है. तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितनी देर वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, मतलब कितनी देर उसकी वेलोसिटी मेंटेन रहेगी. तो वो तो ये है 25 - 2 T1, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन जो है वो फॉर 15 सेकेंड्स के लिए किया उसने, है ना. 25 - 2 T1 तो 9 नहीं आ रहा आंसर. एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज किया गया है, विच इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. कोई ये नया कंसेप्ट नहीं है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है. एवरेज स्पीड भी निकाली जाती है, लेकिन एवरेज स्पीड में डिस्टेंस यूज किया जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. एवरेज वेलोसिटी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये कंसेप्ट लगाते हो, यूज करते हो. ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस सर. है ना, ये थोड़ा सा ये क्या होता है कि एक मिक्स अप्रोच लगानी पड़ती है. मिक्स अप्रोच का मतलब ग्राफ और इक्वेशंस को मिला करके क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. इससे हमारी ये स्पीड बढ़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, और टाइम मतलब ऑब्वियसली कम लगेगा, तो एग्जाम ओरिएंटेड आप हो जाओगे. अच्छा, अभी क्या है कि जैसे क्वेश्चंस जो है ना, देखो क्वेश्चंस में क्या होगा, कभी कभी ग्राफ डायरेक्टली दिया होता है और कभी कभी ग्राफ डॉट करने के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है. जैसे कि मैं कुछ प्रॉब्लम अब डिस्कस करूंगा, प्रॉब्लम ऑन मेकिंग ऑफ ग्राफ. इसमें मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहा था कि प्रॉब्लम ऑन मेकिंग ऑफ ग्राफ कैसे होगा. तो देखिए एग्जाम्पल, मैं एक तरीका तो होता है कि ग्राफ को मतलब मेकिंग ऑफ ग्राफ डेटा के बेसिस पर की जाती है, कि पहले डेटा इकट्ठा कराया जाए और फिर ग्राफ को बना दिया जाए. फिजिक्स में कभी कभी न्यूमेरिकल करते वक्त थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो जाते हैं हम लोग को. जैसे कि मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं कि एक बॉडी को वर्टिकली ऊपर थ्रो किया, है ना. एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने वर्टिकली ऊपर थ्रो किया विथ वेलोसिटी यू और ग्रेविटी जी डाउनवर्ड है, तो इसका वेलोसिटी और टाइम के बीच कैसा ग्राफ बनेगा. अगर आपसे कुछ ग्राफ कह जाए कि भाई कुछ ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि टाइम और एक्सेलरेशन में क्या ग्राफ बनेगा, किस तरीके का ग्राफ होना चाहिए, टाइम और वेलोसिटी में कैसा ग्राफ होना चाहिए. और फिर मैं आपसे कहूंगा कि इसकी डिस्प्लेसमेंट
और टाइम में कैसा ग्राफ होना चाहिए, तो किसी मोशन में कैसा ग्राफ बनेगा ये मोशन के डेटा पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है। ग्रेविटी वाले केसेस में ये कहा गया है कि जो ग्रेविटी है वही चीजें एक्सेलरेशन होती है, ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन है, ये जो ग्रेविटी जी है यही चीज एक्सेलरेशन है। तो आपको ये देखना है कि ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल क्वांटिटी है, क्योंकि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ पैरेलल टू एक्सिस रहता है और अगर वो वेरिएबल है फिर वो ग्राफ पैरेलल टू एक्सिस नहीं होगा, उसमें कुछ स्लोप आ जाएगी। तो ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन का मतलब जी से होता है और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लेकिन साइन कन्वेंशन क्या बन रहा है यहाँ पर, कौन सी डायरेक्शन प्लस है और कौन सी डायरेक्शन माइनस है, ये देखो जरा। तो ये कहा गया था कि जिस तरफ आप बॉडी को थ्रो करोगे, जिस डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, नॉर्मली इस कन्वेंशन को हम प्लस मानते हैं और अपोजिट वाला कन्वेंशन माइनस हो जाता है, तो ग्रेविटी माइनस में चल रही है। तो एक्सेलरेशन वाला ग्राफ जब प्लॉट करना होगा तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन दिखा दो, टाइम एक्सिस के पैरेलल, और वहां लिख देंगे माइनस जी की वैल्यू, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिख देंगे वहां पर, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, जी को मैंने 10 मान लिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, तो अब इसमें ग्राफ कैसा होगा, क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्या ये हमेशा 40 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। इस तरीके से अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहो और आंसर देते जाओ, क्या ये हमेशा 40 मीटर पर सेकंड से चलेगा या फिर ये बढ़ेगा या फिर कम होगा, तीन ये क्वेश्चन करो अपने आप से। कम होगा सर, कम होगा, यस। अब कम होने का रेट होता है, जब आपको ये मालूम चल जाए कि ये चीज कम होगी या बढ़ेगी, तो फिर ये देखा जाता है क्या वो उसी रेट पर कम होगा या उसका कम होने का रेट बदलता रहेगा, मतलब कभी ज्यादा कम हो जाना, कभी थोड़ा सा कम हो गया, सब बदलता रहेगा। कैसे? सर वही रहेगा, कम होता रहेगा, सर वही रहेगा, रेट वही रहेगा, कम होती रहेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी बदल किसकी वजह से रही है? ग्रेविटी, ग्रेविटी, और ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो जो जिसकी वजह से वेलोसिटी बदल रही है वो तो कांस्टेंट हो गया ना, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज तो होगी लेकिन एक कांस्टेंट रेट पर डिक्रीज होगी, और जब कोई चीज कांस्टेंट रेट पर डिक्रीज होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा। जब कोई चीज कांस्टेंट रेट पर कम हो, मतलब बार बार कम हो चली जा रही है, सेम अमाउंट बार डिक्रीज करे वो, तो कैसा ग्राफ बनेगा। हम लोगों ने पिछली बार प्लॉट करके दिखाया था आपको कि अगर कोई कांस्टेंट रेट से चीज इंक्रीज करे या कोई कांस्टेंट रेट से कोई चीज डिक्रीज करे तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए उसका। सर स्ट्रेट लाइंस आर मूविंग टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस। भाई देखिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो बनेगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी कम होगी। टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस तो वो डिक्रीज करेगा, नीचे आएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जब वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो ये जीरो को कब टच करेगा, कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? 4 सेकंड्स। हाँ, वो अब आप इक्वेशन से निकाल लो कि कभी ना कभी तो ये स्टॉप करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि स्टॉप नहीं करेगा, ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकी जाएगी तो ये कभी ना कभी तो स्टॉप करना ही है, इसको स्टॉप होगा, और वो टाइम निकाल सकते हो इक्वेशंस को, इक्वेशन माइंड में लगाते रहो, स्टॉप कर गया, अच्छा v जीरो हो गया, u 40 है और एक्सेलरेशन माइनस 10 है, तो v इक्वल टू u प्लस 80, माइंड में कैलकुलेशन चलती रहेगी, तो आपका आंसर आ गया 4। क्या ये परमानेंट स्टॉप है, क्या वो हवा में रुक गया तो वही लटका रहेगा जिंदगी भर अपनी, कभी नीचे नहीं आएगा? नो सर, नीचे भी तो आओगे, इसमें कोई बॉडी फेंकी जाएगी तो लौट के तो आएगी, तो जब ये लौट के आएगी तो कन्वेंशन के हिसाब से किधर जाएगी, वो नेगेटिव साइड पर कि पॉजिटिव साइड पर? नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव कन्वेंशन है, तो लौटते वक्त इसकी वेलोसिटी माइनस में दिखा देगी, यही चीज नीचे चली जाएगी, मतलब वही लाइन और नीचे लेके जाओ, और टोटल कितने टाइम बाद वापस आएगा,
तो ग्रेविटी में हम लोगों ने कहा था कि ग्रेविटी में एक सिमेट्री होती है, ग्रेविटी जो होती है ना, क्योंकि उसका उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो सिमेट्री बनती है। सिमेट्री बनने में क्या होता है, जितने टाइम में ये बॉडी ग्राउंड से ऊपर जाएगी उतने ही टाइम के अंदर ये बॉडी वहां से वापस भी आएगी। यानी कितना टाइम लगना चाहिए इसको वापस पलट के आने में, टोटल टाइम? टोटल टाइम 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स, और तब इसके पास क्या वेलोसिटी हो जाएगी, क्या कहोगे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? माइनस 40 कहेंगे, क्योंकि जब लौट के वापस आएंगे तो डाउनवर्ड मोशन होगा। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है बच्चा, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मैं बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बेसिक पर ध्यान दे नहीं रहे हूं। ये बताओ अगर कोई पूछे कि इस पूरे प्रोसेस में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ तो क्या लिखोगे, कितना हुआ चेंज इन वेलोसिटी बताओ? माइनस 80। अब आप ही की बैच में आंसर आ रहे हैं, क्योंकि प्लस 40 थी शुरुआत में, वेलोसिटी की स्टार्टिंग वैल्यू प्लस 40 थी, अब आप माइनस 40 हो, तो चेंज क्या हुआ उसमें? प्लस 40 से माइनस 40 तो क्या कह रहे हैं, चेंज जीरो कह दें, क्या क्या कहोगे, चेंज जीरो हुआ यहाँ पर? नो सर। नहीं, प्लस 40 से माइनस 40 हो गए, तो फाइनल वैल्यू माइनस 40 माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस 40, टोटल आंसर आएगा माइनस 80। अगर कोई कहे कि नहीं बताओ चेंज इन स्पीड कितना हुआ है, तो अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, और जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन से मतलब नहीं है उसको इस साइन कन्वेंशन से भी मतलब नहीं है। तो स्पीड पहले भी 40 है, उसमें प्लस माइनस नहीं देखना है आपको, स्पीड में प्लस माइनस नहीं करना, वो सिर्फ प्लस होगा। तो पहले भी प्लस 40 बाद में भी प्लस 40, क्या कहेंगे, चेंज इन स्पीड जीरो, जीरो है। स्पीड डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, और ये जो कन्वेंशन है ये डायरेक्शन को लेके बनाया गया है कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव और एक डायरेक्शन नेगेटिव, तो जिस चीज में डायरेक्शन ही नहीं है उसका उस प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं होगा। इसीलिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का आइडिया होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, समझ गए? यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा? सर सेम होगा, बस प्लस 80 और माइनस 80। नहीं, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। देखिए हम ये बताओ, इस बॉडी में हम लोग कह रहे हैं कि ऊपर जाते समय इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, खुद सोचना कैसे आप दिमाग लगा सकते हो। तो क्या पहले 1 सेकंड में जितनी हाइट ये कवर करेगा अगले 1 सेकंड में भी उतनी ही हाइट कवर करेंगे, या ज्यादा कवर कर लेंगे या कम कवर करेंगे, जबकि आपको ये पता है कि इसकी स्पीड कम होती जा रही है? कम कवर कर पाएंगे। तो पहले 1 सेकंड में आप ज्यादा हाइट पे चले जाओगे, अगले 1 सेकंड में थोड़ी हाइट कम हो जाएगी हमारी, उसके अगले 1 सेकंड में और कम हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रेट पे हो रहा है क्या? नो सर। तो कैसे रेट पे हो रहा है, उसका रेट बाद में ज्यादा हो रहा है कि बाद में कम हो रहा है? कम हो रहा है। कैसा ग्राफ बनना चाहिए, जिसका रेट बाद में कम हो जाए उसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? कर्व बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा वो, इसीलिए ये ग्राफ ऐसे कर्व बनता है। और उसके बाद बॉडी लौट के वापस आ जाएगी तो ये फिर से जीरो पे आ जाएगा। ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट ये है कि इसको लेकर के आपको बैठना पड़ेगा और एक एक छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और अपने कंसेप्ट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए आप लोग क्या होता है, टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स को ये मान लेते हो कि ये फुल एंड फाइनल है, भाई ये हमारी एक गाइडेंस है, मानिए
हमने गाइड कर दिया कि इस तरीके से सोचना है, हमने आपको एक रास्ता दिखा दिया है, रास्ते पे चलना तुमको है भाई। हमने टॉर्च लेके दिखा दिया कि ये रहा टॉर्च, ये रहा रास्ता, अब जाओ तुम। आपके साथ साथ हम थोड़ी चलेंगे मंजिल तक, बिल्कुल आपकी आपके डेस्टिनेशन तक थोड़ी आपके साथ चलेंगे। आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पैरेलल है, ये लाइन है, ये कर्व है, सब क्यों हो रहा है, सब क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये चल ये रहा है कि क्योंकि स्पीड कम हो रही है, तो अगर हम एक एक सेकंड्स को वॉच करें, एक सेकंड फिर एक सेकंड फिर एक सेकंड, तो पहले एक सेकंड में हम ज्यादा हाइट पे चले जाएंगे, उसके अगले एक सेकंड में थोड़ी कम हो जाएगी, उसके अगले एक सेकंड में और कम हो जाएगी। तो जो चीज कम होती चली जा रही है उसका मतलब रेट कम हो रहा है, उसका रेट जिसका भी कम होगा या रेट जिसका बढ़ेगा वो कर्व बनेगा हमेशा। और ये वही टाइम है 8 सेकंड्स का, 8 सेकंड्स के बाद वो बॉडी वापस आ जाएगी, 4 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो अपने मैक्सिमम हाइट पर चला गया है 4 सेकंड के बाद। तो इस तरीके से ग्राफ को एनालाइज किया जाता है, इस तरीके से ग्राफ सोच समझ करके बनाए जाते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव पेपर्स में सही आंसर को देखा जाता है इस तरीके से। अब इसको अगर आप सोचोगे कि अनलिमिटेड तरीके से बताओ, मतलब और भी 2-4-10 एग्जांपल करा दे तो आपको अच्छा तो लगेगा, मैं 15 एग्जांपल कराऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा, बट वो पॉइजन टाइप है, जानते हो, तो एक स्लो पॉइजन होता है जिसमें क्या होता है कि टीचर 20 क्वेश्चन करा दिए उन्होंने, तो आपको बड़ी मजा आएगी क्योंकि आपको नहीं करना पड़ेगा ना वहां पर, हम लोगों ने करा दिया तो आपको करना नहीं पड़ेगा, और उस 20 में से स्कूल का एग्जाम भी हो जाएगा, नंबर भी आ जाएंगे। साल भर बाद आप ही कहोगे यार ये तो गड़बड़ हो गया, आता तो हमको कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लूंगा, बट अभी नहीं, बस आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन वो एक सोल्यूशन नहीं होगा इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूशन क्या होगा, आपको अपने आप को लेकर के ये बात समझानी पड़ती है कि वाई इट इज पैरेलल टू द एक्सिस, वाई इट इज स्ट्रेट लाइन, वाई इट इज कर्व। जब आप इसे वाई के पीछे पड़ जाओगे, इसको समझने के पीछे पड़ जाओगे और समझ में आ गया, फिर ऐसे न जाने कितने ग्राफ खुद बनाए जा सकते हैं। ठीक है पॉइंट, तो लगभग स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोगों ने कैलकुलस छोड़ करके लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं, और कैलकुलस अभी नहीं कवर करेंगे। इसके बाद बचता है आपका जो इस वर्ल्डली मोशन में है, वो है रिलेटिव मोशन, सॉरी ये प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड देन उसके बाद रिलेटिव मोशन, ये बचता है। तो ये होपफुली हम जल्दी खत्म कर लेंगे, है ना। कल वाली क्लास जो है, आज वाली क्लास तो नहीं, लेकिन कल वाली क्लास आप A1 बैच के साथ अटेंड करें, आज हम उनको डाउट सेशन में एंगेज रखेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे उसमें, तो रिलैक्स रहो, कल वाले में ज्वाइन करो उसमें। ठीक है, चलो अभी क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर एंजॉय करो।